दोस्तों काफी बड़ी न्यूज आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर। इस वक्त मैं india.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल 2018 के प्रभाव से मिलेगी बड़ी सैलरी, न्यूनतम वेतन भी 3000 बढ़ेगा। और इस न्यूज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके इस न्यूज को पूरे डिटेल से पढ़ सकते हैं। और अगर इस न्यूज की माने तो केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यह खबर सुकून देने वाली है, क्योंकि इन कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलने की खुशखबरी इसी साल मिल सकती है। ताजा जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों को इसी साल से 7th पे कमीशन का लाभ देगी। इन कर्मचारियों को अप्रैल 2018 के प्रभाव से ही बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक खुशखबरी यह भी है कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि करने जा रही है। zeenews.com के अनुसार सरकार न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए की जगह 21,000 रुपए करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जानकारों का मानना है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय पर अमल करेगी। केंद्र सरकार एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर वेतन आयोग के इस सिस्टम को समाप्त करने पर भी विचार कर रही है। zeenews.com के अनुसार यह बेहद चौंकाने वाला फैसला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार वेतन आयोग की जगह ऐसी प्रणाली बनाने पर विचार कर रही है जिसमें 50% से अधिक डीए होने पर वेतन में अपने आप बढ़ोतरी हो जाए। इसे ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम के तौर पर जाना जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी भी सरकार के नए विचार से सहमत हैं। कई केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि इससे विभिन्न आयोगों की सिफारिशों को लेकर होने वाले तनाव या विवाद पर कमी आएगी। चुनावी वर्ष को देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती, इसलिए सरकार की मंशा है कि वर्ष 2019 से पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल कर लिया जाए। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। इसके तहत यह भी खबर है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। तो दोस्तों काफी बड़ी न्यूज है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि न्यूनतम वेतन को भी बढ़ा दिया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस पर कब निर्णय लेती है। वैसे मेरे हिसाब से इस निर्णय को जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई साल से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है कि सरकार चुनाव से पहले फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम सैलरी को बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।